अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। गैस तो आ नहीं रही और बच्चों ने इतना ज़्यादा तंग किया होगा। बच्चे कह रहे हैं हमें पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा के दें, तो ऑर्डर कर दिया तो भाई लेकर आते हैं, तो फिर मज़े से बच्चे भी खाएँगे और हम भी खाएँगे। पिज़्ज़ा खा लिया और बच्चे खुश हो गए हैं कि मामा कितने पैसे लग गए। गैस ना होने की वजह से बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे पीछे खाना बना हुआ हो तो नहीं मांगते, गैस होती है। हाँ जी, तो अब उनको पता है कि गैस नहीं है। हर कोई रो रहा था, राबिया भी और अर्श भी, हमने ये खाना है, हमने वो खाना है। तो फिर ऑर्डर कर दिया तो सब कुछ फिनिश हो गया। और बर्तन धोने वाले हैं वो मैं अभी बाद में धोती हूँ। साथ ही अभी की मामा गूंदने लगी आटा और गैस का इंतज़ार हो रहा है। जैसे गैस आएगी फिर खाना बनेगा। खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ आलू और मटर, मसाला वगैरह मैं तैयार कर लेती हूँ। जैसे ही गैस आएगी तो जल्दी से बनेगा खाना। और मटर मैंने निकाल ली, ये जो हम रोटी बना, आटा गूंद लिया और बर्तन भी धो लिए और गैस आ गई है। मसाला मैंने बना लिया था, आलू और मटर डाल के अच्छी तरह भून के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अर्श खाएगा शोरबी के साथ रोटी। ये क्या कर रहे हो आप? मैंने लैंप बनाया था, अंदर लाइटिंग भी चलती थी। ये दोपहर को बनाई है रोटी और गैस चली गई थी, रोटी वैसे ही कच्ची रही तवे के ऊपर और मैंने उतार के ऐसे रख दिए और नीचे सालन और सालन के ऊपर मैंने ऐसे ढक दिए। प्लेट की प्लेट का काम कर रही है हर से। देखो रोटी, ये क्या कर रही हो बेटा? इतनी मेहनत की लाइटिंग लगाई अंदर। किसने खराब की है? नतीजा मिला अंदर लाइटिंग ही नहीं चल रही। किसने खराब की है? गुस्सा आया। किसने खराब की है? खुद ही, मैं बस चला के रखा था पार्क में गया तो आया, तो वैसे मैंने ऑन किया, उसकी सीख वो पड़ी हुई है। अच्छा, उधर से मुझे पानी दो। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने चला दिया। धनिया भी मैंने काट लिए कोको को इंजेक्शन लगवाने के लिए, हॉस्पिटल लेके जाना है। उसकी तबीयत अभी तक नहीं सही हुई, बुखार है अभी भी। सालन बना लिए, अब मैं बनाने लगी रोटी। और यहाँ पे फिश को आटा और नमक लगा के धोया जा रहा है कल के लिए, क्योंकि अब तो सालन बना लिए। अब बनेगी भी कैसे, गैस चले जाती है एक दो घंटे के लिए आती है, बड़ी मुश्किल से खाना बनता है। आटा और नमक लगा के धोने से ना इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, और इसको बाद में जब ये ड्राई हो जाए फिर इसको बाद में मसाला लगाएंगे ताकि इसमें जायका अच्छी तरह। अच्छा, कल वो शोरबे वाली बनानी है क्या? ये इसको मसाला लगा के फ्राई करना? फ्राई करेंगे। चलो अभी तो धो लिया, ये तो बाद में पता चलेगा क्या करना। नीचे प्लेट रख लेना, जो पानी है ना इसका फालतू प्लेट में आएगा। हाथ धोए जा रहे हैं आगे, हाथों से स्मेल ख़त्म हो जाए। ये भी सारी शेल्फ साफ कर, वो देखो कपड़ा पड़ा हुआ। अर्श को लगी भूख, मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। रोटी मैंने बना ली है और सबने खा लिया खाना। अब बना लिया मैंने चाय। क्यों नहीं छोड़े चाय? छोड़ो, आपने नहीं पीनी चाय, बच्चे नहीं पीते चाय। कह रहा मैंने भी चाय पीनी, आपको मैं दूध देती हूँ वो पी लेना। और बर्तन भी मैंने धो लिए और फिर से दोबारा बर्तन धोने वाले हो गए, चाय बनाई है। काम तो पूरा दिन ख़त्म ही नहीं होते, कभी ये काम कर लो कभी वो काम कर लो। ऊपर से कोको भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसको मैं लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास।
मैंने कहा जल्दी से मैं चाय बना के पी लूँ, मेहमानों को भी दी है, फिर गैस चले जाएगी, इतना ज़्यादा मसला है गैस की वजह से। बिजली वाला चूल्हा है लेकिन उसमें इतनी लेट चाय बनती है और वो जायका भी नहीं रहता और कलर भी चेंज हो जाता है। क्या हुआ अर्श हो गया मेरे साथ नाराज़, कह रहा मुझे भी चाय दो। और जब ये रात को चाय पी लेता है पूरी रात नहीं सोता, पूरी रात जागता रहता है। कोको किसके पास है? हाला के पास। उसको मैंने फीडर दिया है, मैंने कहा इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसको पहले फीडर दे देती हूँ। और ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।